विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी सुख छाता में हो। आज पाचम का पारना हुआ रहेगा, किसी ने अट्ठाई का, किसी ने अट्ठम का, किसी ने उपवास का पारना किया होगा। अब तो बिल्कुल छाता आ चुकी होगी और अब आपको छाता में रहना ही होगा, क्योंकि आगे की अब हमें एक रणनीति बनानी है, आगे की तैयारी करनी है। जिस श्रमण भगवान महावीर स्वामी परमात्मा के हम उनके भक्त हैं, उनके दास हैं, उनके चरण सेवक हैं, चरण किंकर हैं, उस परमात्मा की जो भावना थी, भगवान महावीर स्वामी जी की जो इच्छा थी, जो उन्होंने हमें वो जिम्मेदारी सौंपी हुई है, और उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए हम परमात्मा महावीर स्वामी के प्रति कृतज्ञ भाव से चार पंक्तियां मैं पेश करना चाहता हूँ। धरती अंबर सागर नदियां सभी ने यही गुंजाया है, धरती अंबर सागर नदियां सभी ने यही गुंजाया है, और आसमान से एक फरिश्ता इस धरती पर आया है, पानी देकर चट्टानों पर फसल उगाने आया है। और ऐसे प्रभु महावीर को देखकर आज सभी का मन हर खाया है, सभी का मन उभराया है। हमारे ये जगत पूज्य विश्व सम्राट श्रमण भगवान महावीर स्वामी परमात्मा के हम जिस तरह से एक भक्त है, महावीर के बच्चे हैं। महावीर के बच्चे कभी कायर होते ही नहीं है, महावीर के बच्चे महावीर प्रभु को समर्पित होते हैं। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, क्या आप भगवान महावीर को मानते हैं? सब कहेंगे हाँ हाँ, हम भगवान महावीर को मानते हैं। किसने कहा भगवान महावीर को नहीं मानते? हाँ, दूसरा सवाल अगर पूछूं, क्या आप भगवान महावीर का मानते हैं? तो शायद एक ये सवाल सुनने के बाद एक बार आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या सवाल पूछ लिया। महावीर को मानने वाला आज महावीर का मानने को तैयार नहीं होता है। प्रभु महावीर स्वामी जी को हम सब मानते हैं, इसलिए तो हम दर्शन पूजन, भगवान की अष्टप्रकारी पूजा, जप माला, भगवान की जय जयकार, ये सब कुछ हम करते हैं। भगवान को मानने वाला भगवान का कितना मानता है वो बहुत महत्व का है। जैसे कहते हैं ना, इंसान कितना जीता है, जिंदगी कितने साल जीता है, ये महत्व का नहीं होता है। हाउ मच यू लीव इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ यू लीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जितनी भी जिंदगी जी ली, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। चाहे आपको 20 साल हुए, 40 साल हुए, 60 साल हुए, 80 साल के 100 साल हुए, कितने साल जिए वो महत्व का नहीं होता है। आपने कैसी जिंदगी जी वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या किया आपने आपके लाइफ के अंदर, आपके जिंदगी का गोल क्या था, टारगेट क्या था, एम क्या था, लक्ष्य क्या था, आपने उस लक्ष्य को, उस साध्य को हासिल करने के लिए आपने कोशिश कितने की। आपने सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे, आप भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए, उन सपनों में जान डालने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ हमें कोशिश करनी होगी। आप कहेंगे गुरुदेव आप जो कुछ बातें बताते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, कहाँ हम कर सकते हैं? हम अपना घर नहीं संभाल सकते, आप शासन संभालने की बात करते हैं, हम अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं, और आप विश्व को बचाने की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक सिकंदर छोटा सा बच्चा, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास के साथ निकल पड़ा कि मुझे विश्व सम्राट बनना है। वो नेपोलियन, मुझे विश्व सम्राट बनना है। और इसलिए देखो वो कहां से कहां पहुंच गए। आज सिकंदर का नाम लिया जाता है कि जो जीता वो सिकंदर। क्यों आपका मेरा नाम नहीं, क्यों सिकंदर का नाम? हाँ, उसके मन में वो एक अरमान के साथ में उसने पुरुषार्थ किया, इसलिए आज उनका नाम लिया जाता है। तो अगर वो छोटी उम्र में इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो अकेले अकेले इतना कुछ कर लिया, तो हम तो इतने सारे हैं। तो हम अगर स्ट्रेटजी बनाएं, हम अगर प्लानिंग बनाएं, कल प्रवचन में मैंने कहा था कि अब हमें आगे की प्लानिंग
अगर की स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि बिना प्लानिंग आप घर भी नहीं बनाते हैं, आप बिना प्लानिंग आप कभी कोई आप बिजनेस भी नहीं करते हैं, आप बिना प्लानिंग आप कोई काम नहीं करते। आपको कहीं पर भी अगर कोई चार दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो भी आप एक पेपर वर्क करते हैं, आप प्लानिंग बनाते हैं, हम इतने बजे निकलेंगे, हम यहाँ दोपहर को यहाँ पर हम खाना खाएंगे, फिर वहाँ से हम वापस शाम को यहाँ पहुँचेंगे, रात को नाइट हॉल्ट हम यहाँ पर इस धर्मशाला में इस होटल में करेंगे, ऐसा पूरा प्लानिंग बनता है, चार दिन का, छः दिन का, आठ दिन का, और उस मुताबिक आप प्लानिंग से वापस जब घर पे आते हैं, आप बराबर प्लानिंग के मुताबिक निकलते भी है और वापस भी आते हैं। तो उसी तरह से अगर हम भी अगर प्लानिंग के साथ चलें, हमारा जब वीआर होता है ना, हमारा वीआर भी प्लानिंग के साथ होता है, कि आज अगर हमने प्लानिंग किया है कि इस दिन हमारा विहार है, तो हम बराबर सुबह यहाँ पर, दोपहर शाम को यहाँ पर, वापस सुबह यहाँ पर, शाम को यहाँ पर, नहीं यहाँ पर पूरा दिन हम हॉल्ट करेंगे, इस तरह से हमारा पूरा यहाँ से बॉम्बे का विहार, यहाँ से अहमदाबाद का विहार, यहाँ से पालीताना का विहार, यहाँ से समय शिखर का विहार, हम जो भी विहार रूट भी हम तैयार करते हैं, कहाँ सुबह रुकेंगे, कहाँ गोचरी वापरेंगे, कहाँ हम रात्रि निवास कहाँ करेंगे, ये पूरा प्लानिंग बनता है, और उस मुताबिक हम बराबर उसी दिन पर हम सामने के मुकाम पर पहुंचते हैं कि जिस दिन हमने तय किया होता है। उसी तरह से अगर हम इस जिन शासन को कौन से मुकाम पर पहुंचाना है, ये अगर हम तय करें, अगर निश्चय करें, अगर वही सही रूप से प्लानिंग करें, आज देखो हमारे पास सब कुछ है। भगवान ने हम जैनियों को दो ताकत दी है, हमारे पास भगवान ने दो ताकत दी है, हमारे पास माइंड पावर है, हमारे पास मनी पावर है, ये दो बड़ी पावर हमको भगवान ने दी है। देखना 100% में से 99% जैन एजुकेटेड हो गए, पढ़े लिखे हो गए, आपको कहीं पर भी आपको ऐसे कोई बुद्धू जैन कभी नहीं मिलेंगे, हर जगह पर जैन यानी बुद्धिशाली होते हैं, बनिया बुद्धि जिसको कहते हैं, कहीं ना जहां ना पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मेरा मारवाड़ी, कहीं पर भी वो गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती है, ऐसे ऐसे गांवों में भी मारवाड़ी बंदा वहां पहुंच जाएगा, और कुछ भी नहीं आया तब एक दोरी और लोटा लेकर आए थे, फिर भी धीरे धीरे करते करते देखो तो आज गांव गांव में, हमने तो जितनी बाजार पेट देखी है, जितनी बाजार पेट, हम जब पूना से बॉम्बे जाते हैं, काफी हमारा पूना बॉम्बे हुआ, इसलिए मुझे पता है कि जहां जहां भी हम गए पूना में, देखो तो हर बड़ी बड़ी बाजार पेट, चाहे भांडियाली हो, सोना मारुति चौक में यानी के सोने चांदी की दुकानें हो, चाहे कपड़ा बाजार लक्ष्मी रोड का कपड़ा बाजार हो, कहीं पर भी देखो टिम्बर मार्केट हो, हर जगह पर जैनों का साम्राज्य है, हर जगह पर हमारी दुकानें हैं। यहाँ से विहार कर हम खड़की गए, खड़की से अगर हम आगे चिंचवड़ गए, वहाँ से हम निगड़ी गए, निगड़ी से आगे देहू रोड गए, वहाँ से तलेगांव, तलेगांव से आगे कामशेड, कामशेड से आगे लोनावला खंडाला, ये जो पूरी पट्टी है, आगे पूरी पट्टी के अंदर जहाँ भी देखो वहाँ पर बाजार पेट किसके हाथ में, जैनियों के हाथ में। हम पूरे कोंकण घूमे, कोंकण शिवाजी का कोंकण कहलाता है, वो रायगढ़, उस रायगढ़ के अंदर पेन पोइनाड अलीबाग महाड मसला दापोली पाली परली पेडली इंदापुर, ये जो ये जितने भी गांव हैं, इन सभी में देखो रत्नागिरी तक, जहां देखो वहां पर मेन बाजार जैनियों के हाथ में है। आए तब कुछ भी लेकर नहीं आए थे, लेकिन इसी बुद्धि के प्रभाव से देखो, इस बुद्धि के कारण, इस बनिया बुद्धि के कारण, आगे दुकान तो पीछे मकान, नीचे दुकान तो ऊपर मकान, दुकान की दुकान मकान का मकान, सब हो गया। गांव गांव के अंदर सभी ने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया, ये बुद्धि का प्रताप है। हम किसी को चूसते नहीं हैं, हम किसी को लूटते नहीं हैं, लेकिन हम कर कसर जरूर करते हैं, और उसी कर कसर के कारण नाहक का पैसा बर्बाद नहीं करना, नाहक का फिजूल का खर्चा नहीं करना, और इस तरह से कम जात मेहनत जिंदाबाद के साथ साथ में कम से कम फिजूल खर्चा करते हुए मौज शौक को सीमित करते हुए, और हम हमारे में कोई व्यसन ही नहीं मिलेगा, बाकी समाज में बाकी लोगों के अंदर खाओ पियो पैसा मिला तो जलसा करो, दारू में शराब में जुआ में उड़ा दो, लेकिन हमारे समाज के अंदर आज तक वो गंदगी अभी तक नहीं पहुंची है, और अगर पहुंची है तो उसे रोकना आवश्यक है। और इसलिए कहना चाहता हूं
ये जो बुद्धि भगवान ने हमें दी है, आप देखना कहीं कहीं पर बड़े बड़े स्लोगन्स लिखे जाते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लिखा जाता है, भारत के श्रेष्ठ नागरिक बनिए। क्या लिखा जाता है? भारत के श्रेष्ठ नागरिक बनिए। दो अर्थ निकलते हैं, एक तो भारत का श्रेष्ठ नागरिक आपको बनना है, और दूसरा अर्थ क्या निकलता है? भारत के श्रेष्ठ नागरिक कौन? तो के बनिए। बनिया जो होता है ना, भारत के श्रेष्ठ नागरिक माने जाते हैं। जब जब भी जरूरत पड़ी ना, शासन को भी, राज्य शासन को भी जरूरत पड़ी, तब तब जैनियों ने अपनी तिजोरी खोल दी है, और जितना धन चाहिए वो पूरा धन राष्ट्र के नाम पर, गरीबों के लिए, जीव दया के लिए, हर तरह से जब जब भी जरूरत पड़ी, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, मंदिरों के लिए पूरा अपना खजाना खोलकर रखा। फिर उसमें नाम जगरू शाह का आता है, भामा शाह का आता है, धरना शाह का आता है, मोती शाह का नाम हम लेते हैं, पेतर शाह और झंझन शाह को याद करते हैं, वो देदा शाह को याद करते हैं, हम अपने राणा प्रताप जी को मदद करने वाले भामा शाह को याद करते हैं, वो झांसी की रानी को मदद करने वाले अमरचंद बाठिया को याद करते हैं। इन सभी का नाम लेते हमारे रोमांच रोमांच रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इस शासन के लिए, राष्ट्र के लिए किया है। तीन तीन साल तक पूरे गुजरात को खिलाने वाले वो थे हमारे जगड़ू शाह, कच्छ के जगड़ू शाह, जिन्होंने जो काम राजा महाराजा भी न कर पाए वो एक सृष्टि ने, एक बनिए ने, एक जैन के बेटे ने करके बताया। बस यही तो भगवान ने हमें शक्ति दी है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें पैसा दिया है, बस करना क्या है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्लानिंग के साथ वो मैनेजमेंट करनी है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की पार्लियामेंट खड़ी हो सकती है तो मेरा भी यही सपना है, हम जैनियों की एक जैन पार्लियामेंट होनी चाहिए, जहां पर हमारे मंदिरों की सुरक्षा किसी के हाथ में नहीं, हम खुद करेंगे, हमारे गुरु भगवंत की विहार सुरक्षा व्यवस्था हम खुद करेंगे, हमारे स्कूल कॉलेज के लिए। आज देखो हमारे लोग दूसरे स्कूलों में, कॉन्वेंट में जाकर और एडमिशन लेते हैं, और वहां पर डोनेशन देकर एडमिशन लेनी पड़ती है, जबकि अगर वही पैसा डोनेशन का अगर हम वो अपने स्कूलों में लगाए तो शायद मैं समझता हूँ एक या दो साल के डोनेशन के जो पैसे ना, उससे तो बेहतरीन पूरी दुनिया में टक्कर मारे ऐसी ऐसी स्कूल, ऐसा गुरुकुल हम खड़ा कर सकते हैं, ऐसा तपोवन हम खड़ा कर सकते हैं। बस सिर्फ हमारी सोच को, एंगल को चेंज करना है, बदलना है, ढांचा चेंज करना है, हमें पैसे का बहाव जो है उसे थोड़ा सा यूटर्न देना है, तो ये सब हमारे हाथ में है, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। योग्य गुरु भगवंत की प्रेरणा को पाकर, उनके मार्गदर्शन से शास्त्र सम्मत क्या हो सकता है। प्रवर समिति हमारी इतनी मजबूत हो चुकी है, हमारी सवीर समिति मजबूत हो चुकी है, बहुत सारे गुरु भगवान अब फील्ड में आ चुके हैं। पहले हम ही मना करते थे, स्कूल मत बनाओ, कॉलेज मत बनाओ, हॉस्पिटल मत बनाओ, अब कोई गुरु भगवान विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों? सबको पता चल गया है कि हमने आज तक स्कूल का, कॉलेज का विरोध किया, और इसकी वजह से आज बच्चे स्कूल कॉलेज में इतने तो उसमें फिसल गए, आज हमारे उपाश्रय के अंदर पूरे दिन में दो बच्चे भी वंदन करने को नहीं आते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाने लगे, और कॉन्वेंट का नतीजा ये है, घर में संस्कार नहीं रहे, माँ बाप खुद आज किस दिशा में जा रहे हैं। मुझे याद, एक दृष्टांत याद आता है, एक बच्चा स्कूल में लेट पहुंचा, टीचर ने बहुत डांटा कि भाई तू क्यों आज लेट आया, टीचर क्या करूं घर में प्रॉब्लम थी। अरे प्रॉब्लम किस घर में नहीं होती है बेटा, लेकिन स्कूल का टाइम हो गया, तुझे तो आ जाना चाहिए। अरे टीचर लेकिन मैं क्या करूं, मैं तैयार भी हो गया, मैंने मेरी बैग भी ली, लेकिन मम्मी पापा का झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा तो मम्मी पापा तो हर घर घर में झगड़ते हैं, तो तेरा टाइम स्कूल का हो गया बेटा, तो तुझे तो आ जाने चाहिए था। अरे टीचर सुनो तो सही, मैंने भी ऐसी सोचा, तो मैंने बैग भी ले ली, मैंने वाटर बैग भी ले ली, मैंने मेरा लंच बॉक्स भी ले लिया, लेकिन लेकिन मैं नहीं आ सकता था। बोले क्यों क्यों नहीं आया तुम, कि बिना बूट चलेगा क्या, बिना बूट में स्कूल में आऊं तो चलेगा? नहीं 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 चलेगा, क्यों तेरे बूट कहां गए थे? अरे टीचर वो मम्मी पापा का झगड़ा चल रहा था, तो एक बूट मम्मी के हाथ में तो एक बूट पापा के हाथ में था, अब जब तक वो बूट नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं कैसे पहन के आऊं। ये तो हालत है हमारे घरों की, यही तो हमारे परिवारों की हालत है।
सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं हम अंदर अंदर ही टूटे हुए हैं, अंदर अंदर ही हम लड़ रहे हैं। ये जो एकता की जो बात सब गुरु भगवान आपको करते हैं, बार बार आपको एकता के पाठ पढ़ाने चाहते हैं, किसके लिए? हमारा भी उद्देश्य यही है, आप सुखी बनो, आपका परिवार सुखी बने, आप आगे बढ़ो, आपका परिवार आगे बढ़े, हमारा समाज जिस परिवारों से बना है, अगर परिवार समृद्ध है, परिवार संस्कारी है, परिवार अगर सुखी है, परिवार में अगर एकता है, परिवार में अगर संप है, परिवार में अगर सदाचार है, और परिवार में कब ये सब आएगा? आप में होगा तो कुआमा होए तो हवाड़ामा आवे, कुआमा नती तो कुआमा पानी न होए तो हवाड़ामा पानी क्या थी आवे। इसलिए सबसे पहली शुरुआत पहले निज पर शासन और फिर अनुशासन, पहले अपने आप के ऊपर शासन करना होगा। नहीं, सबसे पहले दुनिया को सुधारने से पहले मुझे सुधारना होगा। दुनिया को अगर मुझे दोष रहित बनाना है, पहले स्वयं को दोष रहित मुझे बनाना होगा। और अपने आप को दोष रहित बनाने के लिए, अपने आप को सदाचारी बनाने के लिए हमें अपने कैरेक्टर को सुधारना होगा। हमें वही मास्टर प्लान के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्लानिंग यही होगा कि हमें विश्व को सुधारने के लिए, बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है, और अपने आप से ही हम एक ऐसा एक माहौल तैयार करते हैं, एक ऐसी महायात्रा का प्रारंभ करते हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने आप से शुरुआत करते हैं। आज का सूत्र याद रखना, पहले निज पर शासन और फिर अनुशासन, और अनुशासन को लाने के लिए ही हम आगे बढ़ते हैं। जय गिरिदास, जय आदिनाथ, बोलो शमन भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं क्रांतिकारी गुरुदेव पूज्य पन्यास श्री विराग सागर जी महाराज एवं अध्यात्म योगी पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज के संसारी बड़े भाई, कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह पुणे, श्री शत्रुंजय सेवक क्रांतिकारी पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज साहिब प्रेरित शाश्वत महातीर्थ श्री शत्रुंजय पालीताना जीव दया अभियान में यथाशक्ति अवश्य लाभ लेकर अनंत लाभ प्राप्त करे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 9160200063058333, IFSC कोड UTIB000268 63, पैन कार्ड नंबर AACTV111A, ATG अवेलेबल।